to my YouTube channel English Career. You know, this is our English grammar class. And you know, my dear student, that इस class में इस means आज की video में हम करने जा रहे हैं very very interesting and very new topic for you. And the name of that topic is none other than narration. You know, which is also called direct and indirect speech. So please guys, go on watching the video till the end. Okay, don't go from here. You got pen, notebooks, everything. And be continued with me. Just look here. Let's understand first of all what is narration. Just look here. Suppose that this is Mr. John. This is John here. ये John है. And she is Maria. Getting it? There is conversation between John and Maria. Okay? You know, Maria said to John. That Maria said to John, I shall go to school today. Maria said to ये John है okay? John ने कहा कि Maria ने मुझसे कहा Maria said to me. Me means what? John. Maria said to me, I shall go to school today. School today. Maria ने मुझसे कहा आज मैं स्कूल जाऊंगी. Okay? Maria said to me, I shall go to school today. Maria ने कहा मुझसे I shall go to school today. You know? So, just look here. ये जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं माने ने क्या कहा आई शेल गो टू स्कूल टूडे दिस माने हैज सेड यू नो दिस जो स्टेटमेंट मींस कोई स्पीकर कहता है ओके उस स्टेटमेंट को हम इन्वर्टेड कॉमर्स में रख सकते हैं जस्ट लुक हियर ओके एंड दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच ओके एंड माने इज रिपोर्टिंग Maria is reporting, so here she is reporter. And said to is what? ये verb है. Reporting verb. Reporting verb. और me क्या है? Object of reporting verb. Okay? Maria, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं. Maria said to me, I shall go to school today. Maria ने कहा, मैं आज स्कूल जाऊंगी. But, you know, so this is What type of speech? किस तरह की speech है? Then this is direct speech. क्योंकि if अगर speaker same to same, John ने कहा, मैंने John से कहा, John, what did Maria say? Maria ने क्या कहा? You know, then John कहते हैं, ma'am, Maria said to me, Maria ने मुझसे कहा, I shall go to school today. आज मैं school जाऊंगी. Means John same to same Maria के statement को repeat करते हैं, report करते हैं. ओके ज्यों कहते हो वर्ड्स को रिपोर्ट करने को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच व्हाट डू वी से डायरेक्ट स्पीच लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर इमानिया ये इस तरह कहती अगर वो जॉन इस तरह से मुझसे कहते हैं मैम डायरेक्ट स्पीच है ये मानिया सेड टू को हम एक्चुअली टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं मानिया told me that she I will change into first person hai so it will change according to subject that she would go to hum baad mein janenge pehle kyun kaise change hua pehle hum ye janenge ki direct speech kise kehte hain aur indirect speech kise kehte hain okay Maria told me that she would go to school that day That day. Understood? You know, Maria ने मुझसे कहा कि मैं स्कूल जाऊंगी दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच Maria ने मुझसे कहा मैं स्कूल जाऊंगी इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं लेकिन अगर John ये बोलते हैं मैम Maria ने मुझसे कहा कि वह कल स्कूल जाएगी मीन्स उनके वर्ड्स को Maria के वर्ड्स को वो अगर अपने शब्दों में कहेंगे अपने वर्ड्स में कहेंगे तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच
कि ये हुआ डायरेक्ट स्पीच, हम उसे कहते हैं अगर किसी स्पीकर के किसी यू नो पर्सन के स्पीच को सेम टू सेम अगर आप रिपोर्ट करते हो देन दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर अपने शब्दों में किसी कही हुई बात को अगर आप दोहराते हो, रिटेन करते हो या बोलते हो देन दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। अंडरस्टूड? क्लियर हुआ? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। क्लियर हो गया? दिस इज जॉन एंड दिस इज मान्या। यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल देन दिस इज कॉल्ड नरेशन। व्हाट इज नरेशन? नरेशन किसे कहते हैं? देन एक्चुअली नरेशन इज द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर। स्पीकर की बातों को रिपोर्ट करने को हम नरेशन कहते हैं। अंडरस्टूड? द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग, द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर, द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। उसे हम क्या कहते हैं? नरेशन। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नरेशन आर देयर? नरेशन कितनी तरह के होते हैं, कितने पार्ट होते हैं नरेशन के? देन नरेशन हैज बीन कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट्स। यू कैन से डायरेक्ट स्पीच। नरेशन मीन्स स्पीच स्टेटमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट हम जैसे आपने देखा फर्स्ट स्टेटमेंट में ये डायरेक्ट स्पीच है, सेम टू सेम मान्या की कही हुई बात को जॉन कहते हैं, ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच हम किसे कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। सो दे आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, और हम कह सकते हैं डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, मैटर इज सेम। ओके, सो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में आई नो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस। डिफरेंस समझ में आ गया? डायरेक्ट स्पीच में सेम टू सेम स्पीकर की बातों को सेम टू सेम कहने को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर हम स्पीकर की कही भी बातों को अपने शब्दों में कहते हैं देन दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि हमने फर्स्ट केस में देखा, जॉन ने मान्या की सेम टू सेम स्टेटमेंट को यहाँ पे रिपीट करते हैं मेरे सामने, देन दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। हियर इनडायरेक्ट स्पीच में यू नो यहाँ पे जॉन अपने शब्दों में मान्या की कही हुई बातों को रिपीट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर हो गया? नो एनी डाउट? नाउ अब हम प्रोसीड करते हैं। लुक हियर, सबसे पहले हम पार्ट्स को जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं। यू नो अब हम देखेंगे डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं। हमने यहाँ पे देखा मान्या सेड टू मी, मान्या रिपोर्टर है तो मान्या ने कहा, ये मान्या रिपोर्टर है, मान्या ने कहा सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। मान्या ने मुझसे कहा क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब। और उन्होंने क्या स्पीच किया, क्या रिपोर्ट किया? दैट आई शुड गो टू स्कूल टूडे, कि आज मैं स्कूल जाऊंगी। आई शुड गो टू स्कूल टूडे, आई शुड गो टू स्कूल टूडे, ये हमारा है रिपोर्टेड स्पीच। यानी कही हुई बातों को हम इन्वर्टेड कॉमर्स में रखते हैं और इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अंडरस्टूड? या मान्या सेड टू मी के बाद कॉमा है और इसके बाद जहां से स्टेटमेंट स्टार्ट होती है जो वर्ड्स रिपोर्टर कहते हैं, ओके, उस स्टेटमेंट को हम डबल मींस स्लूक या इन्वर्टेड कॉमर्स में पुट किए हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने रखा है, ओके, और ऐसा ही रखा जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड डिफरेंशिएट। और हमने देखा इनडायरेक्ट स्पीच में ये इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव कर दिया जाता है और एज वेल एज ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमर्स दोनों को रिमूव करकर हम क्या ऐड करते हैं? डैग। जैसे यहां पे मान्या सेड टू मी, सेड टू को हम किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड में। मान्या टोल्ड मी, इसे हम रिमूव करते हैं कॉमा को और इंस्टेड ऑफ कॉमा, कॉमा के बदले हम क्या यूज करते हैं? डैट। सो मान्या टोल्ड मी डैट, अब इन्वर्टेड कॉमा को भी हमें रिमूव करना होता है। मान्या टोल्ड मी डैट, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मान्या टोल्ड मी डैट शी वुड गो टू स्कूल, टुडे विल चेंज इन टू दैट डे। अंडरस्टूड?
सो आई होप यू अंडरस्टूड इट. इतना तो आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया. डायरेक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, दो यू नो कैटेगरीज होते हैं और काइंड्स होते हैं. यू कैन से डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस भी आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा. आई होप सो. आई एम गोइंग प्रैक्टिसिंग इट. आई विल मेक यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.